जय भोलेनाथ। दोस्तों सुबह की 7:55 हो गई है, 7:55 AM, और आज 10 जून है, वेनेसडे, 10th जून वेनेसडे 2020, एंड इट्स 7:55 AM। अभी 7:56 हो गई है, आप देख सकते हो। और दोस्तों लेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज इन मार्केट। आइए चाय के संग चर्चा की जाए आज के मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो SGX जो अभी है वो दिखा रहा है कुछ 90 पॉइंट की तेजी के साथ खुलने की तैयारी है, 90 पॉइंट की तेजी के साथ खुलने की तैयारी है, यानी कि लगभग 10,100। जबकि कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो बुरी तरह से उसको पटकनी लग रही थी, अच्छी तरह से उसकी धुलाई हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा इस तरह की धुलाई में कहीं ना कहीं खरीदारी भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 90% केसेस में मैं ये बोलता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो रोज़ की रोज़ चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, 3:30 बजे अपने पोजीशन काट के जाइए, वही ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है, ये मेरा वादा है, ठीक है। और अगले दिन फिर से खड़ा कर लीजिए सौदे को, क्योंकि आजकल तो ब्रोकरेज भी कुछ लगती नहीं है, कई कई जगह तो 7 रुपया पर ऑर्डर भी है, 9 रुपया पर ऑर्डर है, 14 रुपया पर ऑर्डर है। एक ऑर्डर में अगर आपने 5 लॉट भी लिया तो भी आपका 9 रुपये ही लगना है। ऐसे भी बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस अभी आपको दे रहे हैं फैसिलिटीज़, तो कल वापस खरीद लो या कल वापस भेज दो। तो मैं हमेशा भी इसी पॉलिसी पे चलता हूँ, भले ही ऑप्शन भी हो, मेरा ऑप्शन को भी रात को काट के जाता हूँ। अगर वो लॉस में होता और मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि कल प्रॉफिट में आ जाएगा तो मैं कभी कभार रिस्क लेता हूँ, वरना उसको काट के जाता हूँ। फिर से नेक्स्ट डे वापस 10 रुपया ऊपर मिलेगा या 10 रुपया नीचे मिलेगा, फिर से कर लेंगे। आज क्या होगा, 10,100 की ओपनिंग दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं 10,140 से लेकर 10,150 का जो जोन है वहाँ पे मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन, क्योंकि वो अभी तक एक सपोर्ट का काम कर रहा था। 15 मिनट के चार्ट में मैंने कल आपको दिखाया था, तो वहाँ पे आपको देखिएगा मार्केट रुक सकता है या 10,100 से भी गिर सकता है। आज मार्केट में आज बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे। एक तो डाउ जोन्स फ्यूचर, जो कल डाउ जोन्स जो है वो 300 पॉइंट गिर के बंद हुआ दोस्तों, लेकिन अभी डाउ जोन्स फ्यूचर्स 200 पॉइंट तेजी दिखा रहा है, क्योंकि फेड फेड की मीटिंग का आउटकम जो है वो रात को आज 11:30 के बाद आ जाएगा। हमारे इंडियन टाइम के अनुसार 11:30 बजे के बाद फेड फेड की मीटिंग का आउटकम आ जाएगा, और अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि फेड इस बार भी उनको कुछ ना कुछ तोहफा देगा, कोई ना कोई तोहफा देगा। तो मुझे लगता है उनके सपने टूटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं थोड़ा बहुत अभी ट्रैक कर रहा हूँ अमेरिकन मार्केट को भी, और बहुत जल्दी मैं डाउ जोन्स की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ कि हर एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि कल डाउ जोन्स कितना हाई बनाएगा, कितना लो बनाएगा और कहाँ टिकेगा। तो उस पर मेरी रिसर्च चालू है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज फेड झटका देगा रात को और कल डाउ जोन्स औंधे मुंह गिरेगा, ठीक है, लेकिन आज वो तेजी करेगा, तो आज ही गिर जाएगा, मतलब आफ्टर 11:30 बजे जब फेड का आउटकम आ जाएगा, क्योंकि तो डाउ जोन्स तो हमारी देर रात तक 1:30-2 बजे तक चलता है इंडियन टाइम अनुसार, और हमारा मार्केट भी आज तेज है, तो इसमें तो तेजी में कोई दम नहीं। आपको पता, जब तक ये 145 के ऊपर 2 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज नहीं कर दे, 2 5 मिनट की कैंडल अगर इसने 145 के ऊपर क्लोज किया आज, तो आप आंख बंद करके बाई कर लीजिएगा इसको। 2 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट मतलब एक कैंडल जो 5 मिनट की, अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट की 145 के ऊपर क्लोज कर दे मार्केट में आज सुबह, तो आप बाई में बैठ जाइए। और फिर आप स्टॉप लॉस कितना लगाइए मैं बता रहा हूँ, 10,087 कितना लगाओगे स्टॉप लॉस, 10,087, और आप बिंदास बाइंग में चलते रहिए। अब मार्केट मुझे तो लगता नहीं कि 10,145 को अभी क्रॉस करेगा, अगर कर भी दिया ड्यू टू बाइंग प्रेशर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़ने दीजिए बढ़ने दीजिए, 2:50 से फिर बड़ा करेक्शन आएगा इसमें, 2:50 आप नोट कर लो। और अगर ये 145 से अभी गिरा देता है
145 से अगर अभी गिरा देता है, 145 से अभी गिरा देता है, 145 या 140 या 120 हाई बना के गिरा देता है, तो ये 250 तक अपने आप को कोशिश करेगा 9950 की रेंज में लाने का, और वहाँ से फिर आपको बाई करना है दोस्तों। मतलब अगर 250 की सिचुएशन आप देखिएगा, 2:50 जो आज टाइम आएगी, उस समय मार्केट अगर बहुत तेज है तो आप शॉर्ट मार दीजिए उसको, उस समय मार्केट अगर बहुत गिरा हुआ रहेगा तो आप एक रिस्की बाई करिएगा। लेकिन जब आप कहीं पे भी रिस्क करिएगा, चाहे बाई करिएगा चाहे सेल होगा उस समय, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नॉट मोर देन 60 पॉइंट्स फ्रॉम द लेवल्स। सपोज आपने सेल किया तो ऊपर 60 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डालना है, अगर आपने बाई किया तो नीचे 60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डालना है, और अगर स्टॉप लॉस खा जाए आपका तो जिद नहीं करना मार्केट से, हाथ जोड़ के उसको नमस्कार कर लेना कि आज मेरी गलती हो गई भाई, ठीक है। सो ये तो हो गई मार्केट की, लगभग मैंने जो बताना चाहता था। तो आज एक कोटेशन आपके सामने बोलता हूँ, एन एनिमी ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इन द ब्रेन देन ए वेल विशर। एन एनिमी ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इन द ब्रेन देन ए वेल विशर। ये मेरा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो मैं, मुझे याद रहता है। सो इम्प्रूव योर हर्ट एंड डोंट डैमेज योर ब्रेन, इम्प्रूव योर हर्ट डोंट डैमेज योर ब्रेन। क्योंकि एक एनिमी आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, यार उसने मेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो ज़्यादा फोकस आप उसमें देते हो। अपने दिल को साफ रखो, बोलने दो, कोई कुत्ता अगर आपके खिलाफ भोंकता है तो भोंकने दो, क्या दिक्कत है। क्योंकि आपको, आप खाली इस पे फोकस करो कि कितने लोग आपको प्यार करते हैं, क्योंकि नफरत करने वाले नहीं होंगे। अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो मैच में मज़ा नहीं आएगा ना यार। तो आपको प्यार करने वाले की परसेंटेज अगर 98 है और नफरत करने वाले की 2 है तो कौन सी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कोई वाली। तो कल संदीप जी ने, मेरे अभी जो फ्रेंड है, उन्होंने कल एक और वीडियो बनाया, और उस आरव का वो क्या था, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझसे मांगा था कि प्रमोद जी इसका रिप्लाई तो मुझे बताइए, क्या ये क्या है, ये इसने ऐसा क्यों बनाया। तो उनको ऑडियो डाला था तो उन्होंने उसमें डाला है, आप लोग उनकी रिप्लाई ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको इसमें लिंक में डाल दूँगा उनका वीडियो, और मैं उनकी बात पर ही चल रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा अपने आप को बहुत, क्योंकि बहुत लोगों का एक कंप्लेन है कि प्रमोद जी रूड है, तो मैं डेफिनेटली मैं एडमिट करता हूँ आई एम रूड एट टाइम्स, बिकॉज मैं इरिटेट हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि इतना वर्कलोड रहता है, आप लोग को पता नहीं रहता मेरे को इतना, मैं मतलब माइंड को एकदम फोकस करके स्टडी करता हूँ और इतने लोगों को जवाब भी देता हूँ, आपको पता नहीं मेरे व्हाट्सएप में कितने व्हाट्सएप आते हैं रोज, तो मैं कई बार रूड हो जाता हूँ। और कई लोग बिना सोचे समझे फ़ोन भी कर डालते हैं, तो फ़ोन मत करिए आप लोग, मुझे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुरंत या तो ब्लॉक करूँगा मैं, कोई सुनवाई नहीं उसमें। आपको मुझसे जब भी बात करनी रहेगी आप मुझे एक व्हाट्सअप करिए, सर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो आप मुझे कब फ़ोन करेंगे या मैं कब आपको फ़ोन कर सकता हूँ, है ना। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं बात हो सकती तो नो सॉरी बोल के मैं लिख दूंगा, उसके बाद भी अगर आपने जिद की तो मैं आपको ब्लॉक ही करूँगा। तो बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, आई मे बी रूड बट दिल से बहुत साफ, उस एवरी वन नोज दोज नो मी क्लोजली, ठीक है। तो चलिए उस वीडियो की आपको एक झलकी भी दिखाता हूँ, उसकी लिंक मैं इसमें डालूँगा, ताकि और स्पेशली वो लोग इसको देखें कि कैसे लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उस वीडियो का जो उसने डाला, मतलब एक तो उसने बहुत पहले डाला था अगस्त की ट्रेनिंग के लिए, उसका उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक साल बाद उसको कोई हथियार हाथ लगा कि देखो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, प्रमोद जी अपने ट्रेनिंग को कैसे डांटते हैं, तो उसने किसी ने उसमें डाल दिया, उसके कॉमेंट में उसने उसको डाल दिया, तो उसका भी मेरे पास रिप्लाई था। मैं चाहता था उसी समय उसको जेल में डलवाता, लेकिन मैं सोचा छोड़ो यार, मुझे कभी नहीं लगता कि किसी इंसान की लाइफ बर्बाद करो। तो आप इसको सुन लीजिएगा, इसके वीडियो को आज के इनको दिया, मैं चाहता तो ये वीडियो मैं भी बना सकता था और आज के काफ़ी टाइम पहले बना सकता था, लेकिन मुझे लगता कि कुत्ते जब भोंकते तो हाथी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे वो मार्केट मैग्नेटिक्स नाम का कुत्ता जब बीच में भोंकता था तो अभी चुप है, भोंकने दो उसको, क्योंकि उनके उनकी औकात ही नहीं है मुझसे कंपेयर कर, ठीक है। तो ये आपको लिंक मैं डाल दूंगा, ये मेरे दोस्त संदीप आज की डेट में मेरे दोस्त है,
वेलविशर भी है और इनकी बहुत सारी राय मानता हूँ, ये मुझे कई बार, हालांकि उम्र में छोटे हैं, बट ही गिव्स मी वेरी गुड सजेशन कि प्रमोद जी वाई यू फोकस ऑन दीज थिंग्स यार, यू आर सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, कीप डूइंग द गुड वर्क, लेट द बुलशिट्स बार्क एट यू, डोंट केयर एट ऑल। सो एनी वे दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो लोड कर देता हूँ और आज दिन के दौरान कुछ भी समझ में आया तो मैं आपको अपडेट डालूंगा कि भैया ये करना चाहिए, लेकिन मैंने लगभग स्टोरी जो है मुझे लग रहा है वो यही है कि 2:50 आज का क्रिटिकल टाइम रहेगा और हर बुधवार को आप लोग, मैं अब आज मैं एक बहुत बड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ, हर बुधवार को चेक कर लेना 2:50 एक क्रिटिकल टाइम रहता है, ये भी मेरी रिसर्च है, ठीक है। तो आपको आज एक बड़ा, इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई टेक्निकल्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं बहुत क्लोजली मैं मार्केट को वॉच करता हूँ, इसलिए जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।